अभी बोलते आतंकवादी आ गए, घुसपैठिए आ गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, माना मानते हैं कि आतंकवादी होते हैं, हैं? अभी ये तो इतने आतंकवादी हैं कि फार्मर बिल क्यों नहीं वापस ले रहे, इसीलिए नहीं ले रहे कि बाकी लोग जो बैठे हुए ना वो भी उठ जाएंगे डर की वजह से, नहीं तो लेने का कोई बड़ी बात नहीं हमें, है हमें वही बात कर रहे हैं। रातों रात अगर नोटबंदी हो सकती है ना तो रातों रात ये बिल भी चेंज हो सकते थे, रद्द हो सकते थे, नए बन सकते थे, कौन सी बड़ी बात है, है ना, बड़ी बात थोड़ी ना है। सच सच है, अगर इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, दिल्ली में इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, वो पागल थोड़ी ना है, पागल थोड़े है। एक का दिमाग खराब हो गया, दो का दिमाग खराब हो गया, तीन का दिमाग खराब हो गया, पूरी दुनिया पागल हो गई कोरोना की वजह से, कोरोना सर पे चढ़ गया। हमें सोचना है कौन पागल है, सोचो अभी हमें सोचना है पागल कौन है। हाँ। अभी ये बोलते आतंकवादी आ गए, घुसपैठिए आ गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, माना मानते हैं कि आतंकवादी होते हैं, हैं? अभी ये तो इतने आतंकवादी है, स्नेहितरे ರೈತರನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ, ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಏನಾದರೂ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಆದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ, ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳ ನಾಯಕ, ಹೌದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡ ಆತಂಕವಾದಿ ರೋಡ್ ಮೇ ಸೋ ರೇ ಠೋಕರ್ ಮಾರ್ಕೆ ಚಲೇ ಜಾತೆ ಆತಂಕವಾದಿ ನೀ ಆತಂಕವಾದಿ ಹೇ ಜೊ ಇತನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮರ್ ರಹಿ ಹೈ ವೋ ಆತಂಕವಾದಿ ನೀ ಜಿನ್ಕಿ ವಜಹ ಸೇ ಮರ್ ರಹಿ ಹೈ. अभी खालिस्तान की बात करते हैं, अभी मैं बताती हूँ खालिस्तान क्या होता है. खालिस्तान वो होता है यहाँ पे सभी खाली प्योर रहते हैं, खालिस ये है, ये खालिस है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, दिखता है, इसमें जो डालोगे ना वही दिखेगा, उसको बोलते खालिस, प्योर प्योर चीज होती है उसको खालिस बोलते हैं. तो वो तो होने नहीं देंगे ये लोग, नहीं देंगे कभी भी प्योर कुछ भी नहीं लेने देंगे किसी को. वही बोला अभी क्यों मिलावट करेंगे, अभी दूध में जितना मर्जी पानी डाल लो दिखेगा थोड़ी ना वो. वही बोला जो खालिस चीज है ये साफ रहता है ना जो उसमें दिखता है. बाकी हमें खालिस्तान सेपरेट से क्यों चाहिए, हमारे गुरु नानक देव जी के तो पूरे इंडिया में ही गुरुद्वारे हैं, तो हम क्यों चाहेंगे. पहले ही हमारा ननकाना साहब जो है वो पाकिस्तान में चला गया, कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ पंजाब डिवाइड हुआ था, डिवाइड को पंजाब को डिवाइड करके इन्होंने पाकिस्तान बनाया, ठीक है. हमारे गुरुद्वारे जो है ना वो पाकिस्तान में चले गए, तो अभी हम लोग पागल नहीं है कि जो हमारे इंडिया में गुरुद्वारे है, इतिहास है हमारा, हम उससे भी दूर हो जाए. पहले ही हम लोगों तो गोल्डन टेम्पल दरबार साहब जो है उसमें डेली 3 times 4 times कितनी बार भी अरदास होती है, तो वो होती है हमारे जो 5 तख्त है वो हमें फ्रीडम मिले, हम वहाँ पे माथा टेक सके. तो हम लोग पागल थोड़ी ना, एक गुरुद्वारे के लिए रोज प्रेयर करते हैं, तो बाकी जो हमारे गुरुद्वारे हैं उनको हम छोड़ दें. सच है ना, सच है, ठीक है ना. हमको हमको पहचान भी है, मालूम भी है इस देश के पहले टेररिस्ट कौन है. हाँ. हमारा नेता का महात्मा को कौन मारा है, वही पहला टेररिस्ट है, वही लोग हमने टेररिस्ट कहते हैं. हाँ. हमने कौन टेररिस्ट अभी बोलता क्या है कि पब्लिक जो थी ना सो रही थी पहले, ये हाँ ना बोलते थे, ठीक है ना, सिर्फ हाँ ना में क्वेश्चन करते थे लोगों को, ठीक है ना. हर इलेक्शन के पहले ऐसे ही प्रोटेस्ट होता है, वो भी जीतता है क्यों. हाँ. कैसे. हाँ, अभी पब्लिक जो है ना अभी जाग रही है, जाग रही है अभी किसान जो है ना उनको भी बिलों की समझ आ रही है, इसीलिए अभी जियो क्यों बंद कर रहे लोग. हैं पहले तो फ्री दे दिया अभी क्यों 500-600 rupees क्यों पे करना पड़ रहा है लोगों को. यस सच है. अभी फार्मर को भी ऐसे करना पड़ेगा, 2-3-5 years लगा लो, इनको प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद में ये लोग भी रोड पे रहेंगे. Yes, yes. वो सब लोगों का अच्छा सोच रहे हैं. आपका नाम क्या. मेरा नाम अमरजीत कौर. एनजीओ. हाँ, यूनाइटेड सिख. यूनाइटेड सिख बोल के कहाँ से आए. हम लोग बेंगलोर से ही है. बेंगलोर से. बेंगलोर वाला है. मेन टीम कनाडा का. क्या वो कनाडा से है. और हमने पूरा लॉकडाउन भी हमने सेवा किया, तब तो हम लोग आतंकवादी नहीं किसी को दिखे.